लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। शाम होते ही आसमान में घुमड़े बादल, एक घंटे में हो गई 1 इंच बारिश, बुंदेलखंड की पठारी धरती पर मानसून में हरबान हो गया। बुधवार की रात रुक रुक कर बारिश होती रही, इसके बाद गुरुवार की शाम ढलते ढलते झमाझम बारिश से मौसम का मिजाज ही बदल गया। लगातार 1 घंटे तक एक साथ पानी गिरा, इस दौरान करीब 1 इंच बारिश होने का अनुमान है। इधर जोरदार बारिश से लोगों ने राहत महसूस की, लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र खजुराहो के मुताबिक यह प्री मानसून बारिश है, अभी मानसून आना बाकी है। उधर जिले के बक्सवाहा और लवकुश नगर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है, जबकि राजनगर में अब तक की सबसे अधिक बारिश हो चुकी है। जिले में सूखे के हालात हो जाने से हर कोई पानी को लेकर त्राहि त्राहि कर रहा है। मानसून सत्र शुरू हुए 13 दिन का समय बीत गया है, अब कहीं जाकर मौसम में हरबान हो रहा है। बुधवार की रात से ही रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चलता रहा, इस दौरान सुबह तड़के भी बारिश होती रही। वहीं गुरुवार को दिन में आसमान में बादलों की आवाजाही होती रही, इसके बाद शाम करीब 4:15 बजे से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। गरज व चमक के साथ बारिश होती रही, साथ ही तेज हवाओं का भी दौर भी चलता रहा। बारिश के साथ लोगों के चेहरे भी खिल उठे, लोगों ने बारिश का खासा आनंद लिया। आंकड़ों पर नजर डाले तो पिछले 24 घंटे में जिले में 14.6 mm बारिश दर्ज की गई, जिसमें सर्वाधिक बारिश 42.4 mm राजनगर क्षेत्र में हुई है, जबकि छतरपुर शहर क्षेत्र में 30 mm बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र खजुराहो के अनुसार प्री मानसून के दौरान ये बारिश हुई है, अभी मुख्य मानसून आना शेष है, फिलहाल बारिश का सिलसिला चलता रहेगा। पिछले 24 घंटे में यह है बारिश का रिकॉर्ड। ब्लॉक बारिश मिमी में छतरपुर 33.0, लवकुशनगर 0.0, बिजावर 17.0, नौगांव 20.8, राजनगर 42.4, गौरिहार 2.0, बड़ा मलहरा 5.0, बकसवाहा 0.0।